आप लोग आए दिन चर्चा में सुनते रहते होंगे संसद के बारे में और संसद के सत्र के बारे में कि ये सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपका बजट सत्र चल रहा है। तो वैसे ही आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है टॉपिक। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत की राजनीति में आपको मालूम होना चाहिए क्या कहाँ व्यवस्था है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है, आप एमएलए को चुनते हैं तो एमएलए यानी कि विधायक का मतलब क्या है, और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है, राज्यसभा के निर्वाचन किस तरह से होता है, इसकी भी एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ। और आपके जो संसद सदस्य हैं इन पर हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मुझे लगता है कि आपकी संसद, इसका प्रावधान आर्टिकल 79 यानी कि 79 में प्रावधान किया गया है इसका, ठीक है। अब आप याद रखिए संसद में आपके कितने सदस्य, कितने भाग हैं इसके, आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इसके तीन अंग होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो राज्यसभा है इसे आपके एमएलए चुनते हैं, कौन, विधायक, जिन्हें आप लोग विधायक कहते हैं, और विधायक को आप चुनते हैं, और ये विधायक क्या करते हैं, राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। और याद रखिए राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, क्या कहते हैं, उच्च सदन, या द्वितीय सदन भी कह देते हैं। इसमें अभी करंट की बात करूं तो 245 मेंबर हैं, इसमें से 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति साहब चुनते हैं 245 में से। और आप देखेंगे कि एक तिहाई सदस्य इसके 2 साल में एक तरह से निर्वाचित हो, मतलब उनकी जो भी वो है कार्यकाल है वो खत्म होता रहता है। इसीलिए आप जानते हैं कि स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और ये ना कभी भंग होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि राज्यसभा की मतलब स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1952 को, ठीक है। दूसरा होता है आपका लोकसभा, कौन सा, लोकसभा, ये आपकी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनता है, आप लोग देखते होंगे ना कि आप लोग अपने एमपी को चुनते हैं, ठीक है, लोकसभा सदस्य को चुनते हैं अपनी अपनी संसदीय सीट से, जो भी सीट है क्षेत्रीय लोकसभा सीट है। इसमें आप देखेंगे इसे आप लोग प्रथम सदन कहते हैं, और इसमें करंट में बात करूं तो 552 मेंबरों की बात की गई है, लेकिन अभी 543 ही देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और 552 का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है आपकी, ठीक है। और अपने अपने स्टेट की आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग सब अपने अपने स्टेट की नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपके यहाँ लोकसभा सीटें कितनी है आपके राज्य में, ठीक। और एक बात और याद रखिए आप लोग, अब आपकी रही राष्ट्रपति साहब की बात, तो याद रखिए राष्ट्रपति को चुनता है कौन, आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, एक बात आपको याद रखनी है। अब आपके मन में आता है कि लोकसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए आपकी 25 साल, राज्यसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 30 साल, और राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो 35 साल रखी गई है, और अगर आपको विधायक बनना है तब भी आप 25 साल, अगर आपको सरपंच बनना है तो 21 साल, और अगर वोटर बनना है, आपको वोट देने वाला बनना है, तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। पहले इसे 21 रखा गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में घटाकर इसे 18 कर दिया गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सामान्य जानकारी होगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण मामलों में वृद्धि की आशंका के चलते संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। और संसद सत्र के बारे में अगर बात करें हम लोग, संसद के सत्र में से के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। तो यही क्वेश्चन बन जाए आपका वन डे एग्जाम में भी, वन लाइनर में आ जाए, या आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। संसद के सत्र किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है, इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। एक बात और याद रखिए, जिस तरह केंद्र में आप देखते होंगे राष्ट्रपति नाममात्र का एक तरह से शक्ति है उसके पास, इसी प्रकार राज्य में आप देखते होंगे राज्यपाल के पास मुख्य शक्ति यानी कि सही में शक्ति होती है आपकी प्रधानमंत्री, या आप स्टेट में देखेंगे राज्यों में तो मुख्यमंत्री के पास। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, सबसे लंबा आपका बजट सत्र होता है, पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। याद रखिए सबसे लंबा है, एक बात और याद रखिए
अब लंबा इसलिए क्योंकि आप देखिए बजट देश में क्या होना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा, पूरी आप समझिए कि घर में जब कोई व्यवस्था होती है, कोई आपका त्योहार होता है, तब आप समझिए बड़ी लंबी चर्चा चलती है। शादी ब्याह है आपके घर में तो लंबी चर्चा नहीं करते हैं आप लोग कि कितना खर्च होगा, कहाँ से आएगा ये, तो यही बात की जा रही है। दूसरा सत्र देखेंगे तो 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है जो आमतौर पर जुलाई माह से शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी कि तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक होता है। इन तीनों को आप लोग याद रखना है। अब एक काफी आप लोग चर्चा में एक शब्द सुनते होंगे, संसद का सत्र आहूत करना। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर संबंध जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना जरूरी है, यानी कि 2 बार इनकी बैठक एक तरह से होना जरूरी है। फिर आप दूसरा सुनते हैं शब्द स्थगन। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन या सत्यावसान या फिर विघटित लोकसभा मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय या जो कुछ घंटे या दिन या सप्ताह हो सकता है के लिए निलंबित किया जा सकता है। ये तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि हंगामा हुआ और मतलब आपकी सदन को स्थगित कर दिया गया है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए भी ये व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। फिर तीसरा शब्द है आपका सत्तावसान। सत्तावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त कर दिया जाता है। सत्तावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्तावसान और फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्तावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, ना कि विघटित होना लोकसभा मामले में, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है, स्थायी सदन है। मैंने बोला ना आप लोगों को कि आपका राज्यसभा स्थायी सदन है, तो याद रखिए जो आपका स्थगन है ये कुछ समय के लिए मतलब हो सकता है या कुछ घंटे लिए, कुछ सप्ताह के लिए, लेकिन सत्तावसान का मतलब होता है कि पूरी तरह से सत्र को समाप्त कर देना, ठीक है। फिर आप सुनते हैं कोरम। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 50-55 सदस्य या राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। अगर कोई बैठक करनी है तो गणपूर्ति का मतलब या कोरम का मतलब यही होता है कि कम से कम इतने सदस्यों को होना चाहिए, तभी एक तरह से इसे सदन को चलाया जा सकता है। 1/10 यानी कि 10वां भाग होना चाहिए। लोकसभा में आप देखेंगे तो 50 सदस्य कम से कम होना चाहिए, राज्यसभा में ये आप देखेंगे तो 25 सदस्य होना चाहिए, उनकी सीटों के हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यही कहानी है आपके संसद के सत्र की, जो भी है वो आपके राष्ट्रपति राज्यपाल जो भी इस तरह की जानकारी हो इनके बारे में हमेशा याद रखा करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप देश में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप समझिए कि सिविल सर्विस की तैयारी में जो भी सम्मिलित किया गया है, NCERT, एक केवल परीक्षा आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर देश में सभी नागरिकों को ये सभी जानकारी मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत आगे निकल सकता है। आप सोचिए अगर पेपर 4 को, मैं तो कहता हूं पूरे देश को पढ़ा देना चाहिए, आपका जो सिविल सर्विस या स्टेट PCS में आपका पेपर 4 है इसे पूरे देश को पढ़ा देना चाहिए। अच्छा मानव तो बन जाएगा, अच्छा इंसान तो बन जाएगा, अपने कर्तव्यों से भी वाकिफ हो जाएगा और अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो जाएगा। खैर छोड़िए, ये तो दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है इसका, आप जानते हैं कि देश दुनिया आपके देश में क्या चल रहा है, ठीक है। यही पॉइंट आप लोग याद रखिए, कई बार इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है।